हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टॉप 4 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में अंडर 12,000, जहां पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, फुली फ्यूचर 5G रेडी स्मार्टफोन मिल जाएगा, जिससे आप इजीली 5G को यूज कर सकते हो बिना किसी इश्यू के, और साथ ही साथ पावरफुल परफॉर्मेंस और अच्छा खासा कैमरा लेंस भी मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आपको 12,000 के प्राइस सेगमेंट में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बाय करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। यहाँ से आप इजीली डिसाइड कर सकते हो एक्चुअली कौन सा स्मार्टफोन आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाय करना चाहिए। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक बने रहिए। बट गाइस, यार आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले स्मार्टफोन की बात करते हैं जो कि आता है मेरी लिस्ट में मोटोरोला की तरफ से, मोटो G51 5G। और ये इस प्राइस पॉइंट पर पहला स्मार्टफोन है जो कि सबसे ज़्यादा 5G बैंड्स के साथ आता है, मतलब ये एक फुली फ्यूचर 5G रेडी स्मार्टफोन है। ये दोस्तों 4GB प्लस 64GB से आता है। इसमें दिया गया है 6.8 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले विद सेंटर पंचोल, 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग बेस्ट दी गई है। दोस्तों, रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड एंड 2 का माइक्रो लेंस भी दिया गया है। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी मिल जाएगी। इसके रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी डिसेंट मिलती है। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480+, जो कि एक 5G चिपसेट है, 8nm पर बेस्ड है, मतलब ये ठीक ठाक एनर्जी एफिशिएंट है और ये आपको अच्छी खासी गेमिंग भी कराने वाला है। इसमें 12 5G बैंड्स का सपोर्ट मिल जाता है। इस फोन में एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है, जो कि MIUX यानी कि प्योर स्टॉक एंड्रॉयड पर बेस्ड है। यहाँ पर 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 20W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 3.5mm का जैक, सिंगल स्पीकर, IP52 की रेटिंग, थिंक शील्ड की प्रोटेक्शन और हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। 2 सिम या फिर 1 सिम 1 SD कार्ड एक्सपेंड कर सकते हो, तीनों एक साथ एक्सपेंड नहीं कर पाओगे। दोस्तों, ये स्मार्टफोन 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ आता है। इसको आप 12,249 के प्राइस पॉइंट पर डेफिनेटली बाय कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी नार्जो 50। ये 4GB प्लस 64GB से आता है। इसमें दिया गया है 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले विद इंसर्ट पंचोल, 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस के सबसे बेस्ट दी गई है। दोस्तों, रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50MP का दिया गया है, साथ में 22MP के डेप्थ और माइक्रो लेंस मिल जाएंगे। इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं मिलता है। फ्रंट में 16MP की फ्रंट फेसिंग सेल्फी मिल जाएगी। इसके रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से 1080p 30fps पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी डिसेंट दी गई है। इसमें परफॉर्मेंस मिलता है MediaTek Helio G96 4G के साथ आता है, 12nm पर बेस्ड है। ये एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, बट ये आपको इस प्राइस पॉइंट पर गेमिंग काफ़ी अच्छी खासी कराने वाला है। इसमें Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है जो कि Realme UI 3.0 पर बेस्ड है। इस फोन में 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और इसमें 3.5mm का जैक, सिंगल स्पीकर, ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी दिया गया है, तीनों एक साथ एक्सपेंड कर सकते हो। दोस्तों, ये स्मार्टफोन 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी प्राइस है 11,999। 12,000 रुपये में डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है पोको की तरफ से, पोको M4 Pro 5G। इसका 4G वेरिएंट भी आता है, बट अगर आप 5G वेरिएंट के साथ जाते हो तो 4G की कंपेयर आपको कुछ फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। दोस्तों, ये स्मार्टफोन 4GB प्लस 64GB के साथ आता है।
इसमें दिया गया है 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले विद सेंटर पंचोल, 90Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस के हिसाब से डिसेंट दी गई है। दोस्तों रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। इसके अलावा डुअल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है और अच्छी बात यह है कि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी मिलता है। इसमें फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी भी आपको डिसेंट मिलती है। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है मीडिया टेक डायमेंसिटी 810 जो कि डुअल 5G चिपसेट है, 6nm पर आता है, काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है और इस प्राइस पर आपको काफ़ी तगड़ी गेमिंग कराने वाला है। नो डाउट गेमिंग एक्सपीरियंस आपका कमाल का होगा। बाकी इसमें 7 5G बैंड्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। इस फोन में एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि MIUI 13 पर बेस्ड है। दोस्तों यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 3.5mm का जैक, 12 स्टीरियो स्पीकर्स, वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग और हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। दोस्तों ये स्मार्टफोन 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी एक्चुअल प्राइस है 14999, बट इस पर आपको अच्छा खासा बैंक ऑफर मिल जाएगा। अगर आपके पास ICICI या फिर कोटक बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। इजिली आप इस फोन को 12,500 रुपए में बाय कर पाओगे और लगभग सेम प्राइस पॉइंट पर आपको 4G वेरिएंट भी मिल जाएगा। दोस्तों 4G और 5G में डिफरेंट इतना है कि आपको 4G वेरिएंट में 90Hz का एमोलेड डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल के कैमरास और हीलियो G96 परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। बाकी फीचर्स लगभग सेम मिलते हैं। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि एक्चुअली किस फोन की तरफ आपको जाना चाहिए। दोस्तों फाइनली नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 11 4G। ये इस प्राइस पॉइंट पर बेस्ट 4G स्मार्टफोन है। 4GB प्लस 64GB से आता है। इसमें दिया गया है 6.43 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद सेंटर पंचोल, 90Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, डिस्प्ले क्वालिटी बेस्ट मिल जाएगी इस प्राइस पॉइंट पर। दोस्तों रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट का डिजाइन मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। इसके अलावा क्वाड कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड, देन 22 मेगापिक्सल के माइक्रो और डेप्थ लेंस दिए गए हैं। फ्रंट में 13 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी मिल जाएगी। इसके रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से 1080p 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी अच्छी खासी मिल जाएगी। इसमें दोस्तों परफॉर्मेंस मिलता है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 680, 4G चिपसेट है, गेमिंग आपको अच्छी खासी कराने वाला है। इसमें एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है जो कि MIUI 13 पर बेस्ड है। इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 33W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 3.5mm का जैक, 12 स्टीरियो स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड स्लॉट और IP53 की रेटिंग भी मिल जाएगी। दोस्तों ये स्मार्टफोन 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी प्राइस है 12999, 13,000 रुपये में आपको ये मिलता है। इस पर आपको बैंक ऑफर भी मिल जाएगा। तो गाइस ये थे टॉप स्मार्टफोन्स अंडर 12,000। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कहीं पर भी पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।